अपना क्लेम करते हैं प्रति बीघे का मूंग का कम से कम 8,000-9,000 रुपए के आसपास, ग्वार का मिल बनता है 3,000-4,000 के आसपास, लेकिन ये चाहते नहीं। अगर आए गेड़े तो का पीछा लगे नोर और बादराम पेट में दर्द होने लग गयो। अब की बार आप सीख सीख कार्यक्रम करिए कि नोर और बादराम के क्लेम ने रगड़ी देख लिया। किसानों ने उपखंड नौहर पर किया है प्रदर्शन। रवि व खरीफ फसल बीमा क्लेम सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से नौहर के उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन व धरना लगाया गया। किसान सुबह अनाज मंडी स्थित प्रसिद्ध विश्राम गृह से इकट्ठे होकर रैली के रूप में नौहर उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस जाप्ता हालांकि तैनात किया हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड भी लगाए गए। बैरिकेड किसानों ने तोड़ डाले और सरकार और बीमा कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त उन्होंने किया है। उपखंड कार्यालय के आगे सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी ने कहा कि सरकार और बीमा कंपनी किसानों के धैर्य का इम्तिहान न ले, किसान अपना हक लेकर घर वापस जाएंगे। फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान लड़ेंगे, अगर आर पार की लड़ाई, किसान आंदोलन को तेज भी किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, जिसमें SDM पुलिस प्रशासन अधिकारी बीमा कंपनी व कृषि विभाग प्रतिनिधि ने किसानों से वार्ता भी की है और वार्ता विफल रही, जिस पर किसानों ने सर्वसहमति से 16 जनवरी को नौहर उपखंड पर महापड़ाव की घोषणा भी कर दी है। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने मांग की है कि हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अब देखना यही है कि दोबारा किसानों के साथ वार्ता प्रशासन करता है या नहीं। क्या किसानों का धरना लगातार नौहर उपखंड पर जारी रहता है, यह देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।